प्रताप बागपत से खबर, जहां पर मतदान के दौरान ईवीएम में खराबी पाई गई है। विधानसभा के प्राइमरी पाठशाला में एक घंटे से मशीन खराब है। मतदान करने आए मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अमीनगर सराय के बाद बागपत में मशीन हुई खराब। मतदान के दौरान ईवीएम में खराबी बताई जा रही है। बागपत में मतदान केंद्र में ईवीएम में आई खराबी। 3 विधानसभाओं में 522 मतदान केंद्र में मतदान हो रहा है। मतदान के दौरान ईवीएम हुई खराब। विधानसभा के प्राइमरी पाठशाला में एक घंटे से मशीन में खराबी बताई जा रही। 3 विधानसभाओं में 522 मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है। 22 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में होंगे कैद। मतदान के दौरान ईवीएम हुई खराब और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप पंडित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है बागपत में एक मतदान केंद्र में, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन में खराबी आई है? जी गरीब, आपको बता दूं, यहाँ पर जो है अमीनगर सराय और बागपत की प्राइमरी पाठशाला, दो ऐसे बूथ जहाँ पर एक घंटे तक ईवीएम मशीन जो थी वो खराब रही है। और उसके बाद मतदाताओं की वहां पर काफी भीड़ लग गई है। और उसके बाद जो ऑब्जर्वर थे और निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी थे वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि एक घंटे तक जो मतदान था वो पूरी तरह से बाधित रहा है। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अब भी 2 मशीनें नहीं लाई गई है और उनको दुरुस्त किया जा रहा है। जी जी कुलदीप, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो वो अब तक कितना हो पाया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दूं गरिमा, आप जो मतदान हुआ है अब तक वो 10% हो चुका है। और आगे भी यहाँ काफी लंबी लाइनें लगी हैं। सुबह से ही जो युवा थे, युवाओं के अंदर काफी जोश दिखाई दे रहा था और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर सुबह से ही लग गई थी। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि बागपत में ईवीएम मशीन में खराबी आई है, हालांकि उसे रिप्लेस कर दिया गया है। मतदान के दौरान ईवीएम हुई खराब। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।